और ये रिकवरी उस समय आ रही है सर जब अमेरिकी फ्यूचर्स को ज्यादा खास नहीं कर रहे हैं। 100 पॉइंट नीचे है डाउ फ्यूचर्स, 150 पॉइंट नीचे नैसडैक फ्यूचर्स, 1.25% की गिरावट वहां पर आ रही है। यूरोप के बाजार में देखेंगे अनिल जी तो आधे से 1% की वीकनेस है। और आज एशिया पर नजर डालिए सर, हांगकांग 3.5% आज टूटा है, चाइना 2.5% टूटा है। तो एशिया की स्क्रीन आज काफी कमजोर है, जापान 1% नीचे था, उसके बावजूद हमारे बाजार में उतना नेगेटिव रिएक्शन आपको नहीं दिखा। इनफैक्ट जो हांगकांग का टेक इंडेक्स है, आईटी इंडेक्स है, वो लाइफ लोस पर है, इतिहास में कभी इतने नीचे के लेवल पर नहीं है जितने नीचे के लेवल पर आज हांगकांग का आईटी इंडेक्स दिख रहा है। तो टेक्नोलॉजी स्टॉक्स अक्रॉस द वर्ल्ड थोड़ी परेशानी झेल रहे हैं जिस तरह से अमेरिका के नंबर्स आए हैं कंपनीज के। अदरवाइज सर ग्लोबल मार्केट थोड़े सुस्त के माहौल में, उस हिसाब से देखें तो हमारे बाजार फिर भी ठीक दिख रहे हैं। क्या डेटा कमोबेश कल जैसे ही बना दीप, ऐसा लग रहा है 17,700 के नीचे बंद नहीं होंगे, अब तो 17,750 पर आ गए। कल भी हम लगभग इसी तरह की बात कर रहे थे, इसी समय यही बात करते थे, एक बार 17,650 तक नीचे आए भी थे कल बाजार। तो आज भी सेम सिचुएशन है कि 17,700 के ऊपर की क्लोजिंग मिल जाएगी। क्यों मिलेगी? 17,700 के पुट पर 60 लाख शेयर हैं, कॉल्स में 35 लाख शेयर हैं। 60 लाख शेयरों का जो ओपन इंटरेस्ट है उसमें से 30 लाख शेयर आज ही जुड़े हैं, ये हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट भी है। सो इसलिए 17,700 को क्लोजिंग बेसिस पे होल्ड कर पाएंगे इसकी संभावना पूरी पूरी है। अगर 17,700 के आसपास ऊपर कहीं भी क्लोजिंग होती तो हम अच्छे ही हैं, खराब नहीं है। ऊपर कितनी हो सकती है? ऐसा भी नहीं लग रहा कि 17,800 के ऊपर बंद होंगे, क्योंकि 17,800 के कॉल ऑप्शन में 71 लाख शेयर हैं, 34 लाख शेयर आज ही जुड़े हैं। तो ब्रॉडली अब से बचे हुए एक घंटे में 50 मिनट में निफ्टी न तो 17,700 के नीचे जाकर बंद होने को तैयार है, न 17,800 के ऊपर निकलने का। हो सकता है डाउ फ्यूचर्स की रिकवरी के साथ एक बार 17,800 को पार करने की कोशिश करे, या डाउ फ्यूचर 200 गिर जाए तो हो सकता है एक बार 17,700 के नीचे जाने की कोशिश कर सकता है, लेकिन बंद संभावना पूरी है कि इसी रेंज में होंगे। और उस लिहाज से जब आप बीचों बीच में हैं उस रेंज के 750 पे, तो कोई ट्रेड तो खास बनता नहीं, नहीं बनता ना, नहीं बनता तो नहीं, समय तो नहीं। मतलब जबरदस्ती लेने का मतलब भी क्या, अगर आपको मूवमेंट ना मिले तो ट्रेड न लेना, ट्रेड लेने से बड़ा डिसीजन है। यस है ना, इस बाजार में तो स्मार्ट डिसीजन भी, इस बाजार में स्मार्ट डिसीजन भी है, अनलेस कि आपको खुद की ब्रोकरिंग फर्म है तो फिर तो क्या, ब्रोकरेज भी आप अपने लिए बना करें। हाँ, लेकिन उसमें ट्रांजेक्शन चार्जेस और कौन से टर्नओवर चार्जेस वो किसी और के लिए होंगे, एसटीटी वगैरह वो दूसरों के लिए होंगे, ये ध्यान रहे। ओके, तो ये 17,700-17,800 की रेंज इस वक्त निफ्टी पे नजर आ रही है। बैंक निफ्टी 41,000 मेक और ब्रेक लेवल है, उसके नीचे आने पर थोड़ा सा मुश्किल है। संभावना बनती है कि हम कोशिश करें 41,000 के आसपास और उसके ऊपर बंद होने की। बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा है, 41,000 के पुट और कॉल दोनों पर बराबर ओपन इंटरेस्ट है 23 लाख शेयरों का, और जबकि उसके नीचे ट्रेड कर रहे हैं, तो थोड़ी सी रिस्क बैंक निफ्टी में ज्यादा है। राइट, तो नीचे की रिस्क खुली तो है, 40,775-40,800 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करना चाहिए, और मेरे ख्याल से आज हम वहीं पर नीचे जाकर सपोर्ट लेते हुए नजर भी आए। सो ये बैंक निफ्टी में एक बार आप देख लेते हो आज का लो क्या है, 40,840 वही लो है। सो आई थिंक बैंक निफ्टी थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन लग रहा है 41,000 के आसपास बंद होना चाहिए। ऊपर में 41,200-41,300 की रेंज में बहुत स्ट्रांग रुकावट है, इस रेंज में अगर 200-300 पॉइंट रिकवर होकर आता है तो वहां पर बैंक निफ्टी में आपको पोजीशन थोड़ी सी हल्की करनी चाहिए, ये आपके लिए लेवल से। समझ गया सर, ठीक है। फ्रेश ट्रेड अभी आखिरी एक घंटे के हिसाब से ज्यादा कुछ ऐसा मूवमेंट दिख नहीं रहा कि आप बनाए, अगर नहीं करना बैंक निफ्टी अगर थोड़ा ही 100-125 पॉइंट ही अगर होना है, या निफ्टी में 85 पॉइंट अगर होना है इधर उधर, तो आप एंट्री एग्जिट अगर परफेक्ट ना करे तो बनाना पैसा मुश्किल है। तो इसलिए इंडेक्स के बजाय स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पे रहना ठीक रहेगा। बिल्कुल, चलिए तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन